सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, जियोमीट के रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ कि जियोमीट को मोबाइल में कैसे यूज करना है, कैसे लैपटॉप में यूज करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे मीटिंग स्केड्यूल करनी है, कैसे मीटिंग का लिंक शेयर करना है, कैसे पीडीएफ फाइल शेयर करनी है, कैसे जेपीजी फाइल शेयर करनी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोबाइल से पीपीटी मींस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे शेयर करनी है। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, लेफ्ट फोन को हम एज ए टीचर यूज करेंगे, राइट फोन को हम एज ए स्टूडेंट यूज करेंगे। सबसे पहले हम टीचर फोन से साइन इन करते हैं। दोस्तों, यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करने के बाद आपने साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन करोगे तो इस टाइप की आपके पास स्क्रीन शो होगी, स्टार्ट ए न्यू मीटिंग, ज्वाइन ए मीटिंग, प्लान ए मीटिंग, शेयर स्क्रीन, कॉन्टैक्ट्स, मीटिंग, होम एंड सेटिंग। दोस्तों, मीटिंग को स्केड्यूल करने के लिए प्लान ए मीटिंग पे क्लिक करना है। अगर आपकी कोई मीटिंग स्केड्यूल है तो आपने मीटिंग्स पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सभी स्केड्यूल मीटिंग शो होगी। यहाँ पे मेरी कोई भी मीटिंग स्केड्यूल नहीं है, तो यहाँ पे मैं पर्सनल मीटिंग आईडी के साथ मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम स्टूडेंट फोन से भी मीटिंग ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने ज्वाइन ए मीटिंग पे क्लिक करना है। आपको साइन अप या साइन इन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ज्वाइन ए मीटिंग पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई लिंक है जो आपके टीचर ने आपको सेंड किया है, आप उस लिंक के थ्रू भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिंक के थ्रू मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मीटिंग आईडी ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम डालना है। आफ्टर दैट आपने ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे टीचर के पास रिक्वेस्ट आ गई है एडमिट होने के लिए। जैसे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट एडमिट कर देगा टीचर, तो स्टूडेंट एंड टीचर के बीच मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। टीचर के पास ऑप्शंस आ रही हैं, माइक्रोफोन को म्यूट अनम्यूट करने की, कैमरा को ऑन ऑफ करने की, स्क्रीन शेयर की, एंड पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके टीचर स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, कैमरा कंट्रोल कर सकता है, माइक्रोफोन कंट्रोल कर सकता है एंड मीटिंग से रिमूव कर सकता है। एंड अगर टीचर चाहता है कि स्टूडेंट को म्यूट अनम्यूट करना, तो यहाँ से म्यूट ऑल पे क्लिक करके सभी स्टूडेंट्स को म्यूट कर सकता है एंड म्यूट अनम्यूट ऑल पे क्लिक करके सभी स्टूडेंट्स को एक ही क्लिक में अनम्यूट कर सकता है। और दोस्तों, स्पीकर को ऑन ऑफ करने के लिए लैपटॉप पे क्लिक करना है। एंड अगर आप रियर कैमरा यूज करना चाहते हो तो आपने यहाँ इस आइकॉन पे क्लिक करना है एंड मीटिंग को एंड करने के लिए एंड पे क्लिक करने के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर ने स्क्रीन शेयरिंग से पहले, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। आपने प्ले स्टोर में विजिट करना है। प्ले स्टोर में आपने यहाँ पे टाइप करना है पीपीटी। जैसे आप पीपीटी लिख के सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो की, एंड एक साथ में ऑप्शन मिलेगी आपको गूगल स्लाइड्स की। दोनों ये दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे हैं। आप किसी को भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज करूंगा। आपने एक बार ऐप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करके कॉन्फ़िगर करना है ऐप को। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करके आपने ओपन करके कॉन्फ़िगर कर लेना है। उसके बाद आपने मीटिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपने स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करनी है। स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िगर हो गई है। उसके बाद हम फिर से मीटिंग ऑन करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम मीटिंग में रीच करते हैं तो हम फिर से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे टीचर ने शेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही टीचर शेयर पे क्लिक करेगा, उसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच जो शेयरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी टीचर के पास यहाँ पे स्टूडेंट की स्क्रीन शो हो रही है और साथ में अपनी स्क्रीन शो हो रही है जो टीचर शेयर कर रहा है। एंड स्टूडेंट के पास शेयरिंग स्क्रीन स्टार्ट शो हो गई है एंड साथ में यहाँ पे टीचर की स्क्रीन शो हो रही है एंड राइट बॉटम पे अपनी खुद की पिक शो हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट किसी भी स्क्रीन को एक्सपेंड करना चाहता है तो डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद स्क्रीन एक्सपेंड हो जाएगी। अगर आप फिर से स्क्रीन को स्मॉल करना चाहते हो तो आपने फिर से डबल क्लिक करना है और जो स्क्रीन का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे अगर स्टूडेंट टीचर की वीडियो को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करना है एंड रिड्यूस करने के लिए फिर से आपने डबल क्लिक करना है।
स्टूडेंट खुद की वीडियो को एक्सपेंड नहीं कर सकता। दोस्तों आफ्टर दैट टीचर ने क्या करना है, टीचर ने फाइल की लोकेशन ओपन करनी है जहां पे भी फाइल एग्जिस्टिंग है, जहां पे भी फाइल पड़ी है। जैसे मेरी फाइल पड़ी है व्हाट्सएप में, दोस्तों यहां पे मेरे पास प्रेजेंटेशन पड़ी है। इस प्रेजेंटेशन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें यहां पे ऑप्शन मिलेगी। दोस्तों आप यहां से अपनी जो स्टूडेंट की पिक है उसे आप ड्रैग भी कर सकते हो कहीं पे भी। दोस्तों आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगी किस ऐप के थ्रू आप ओपन करना चाहते हो। जैसे मेरे पास दोनों ही ऐप्स इंस्टॉल्ड है, ओपन विद पावर पॉइंट एंड स्लाइड्स, तो यहां पे मैं पावर पॉइंट के साथ ओपन करूंगा। जैसे ही हम यहां पे ऐप को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है क्लास में एडमिट होने के लिए, तो टीचर यहां पे क्लिक करके एडमिट करवा सकता है बड़ी इजीली। ये ऑप्शन आपको कहीं दूसरी एप्स में नहीं मिलती लाइक जूम में। दोस्तों अगर टीचर स्टूडेंट की वीडियो को क्लोज करना चाहता है तो यहां पे क्रॉस पे क्लिक करके वीडियो को क्लोज कर सकता है, एंड दूसरी तरफ स्टूडेंट भी इस पिक को एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए यहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यहां पे मैंने अपने फोन को रोटेट कर लिया है, एंड अगर आप कुछ एनोटेशन यूज करना चाहते हो साथ में तो आपने थोड़ा नीचे स्वाइप करना है, एंड यहां पे पेन की ऑप्शन आएगी। आप इस पेन को सिलेक्ट करके कुछ भी यहां पे एनोटेट कर सकते हो। अगर आप कोई कलर चूज करना चाहते हो तो आपने यहां पे क्लिक करना है, एंड यहां से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो एनोटेशन के लिए। दोस्तों अगर आप पेन का साइज चेंज करना चाहते हो तो आपने यहां पे किसी भी कलर को चूज कर लेना है। जैसे आप कलर को चूज करोगे तो यहाँ पे पेन का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कोई अरेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अरेज भी कर सकते हो, एंड अरेज ऑल भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अरेज ऑल कर रहा हूँ। दोस्तों प्रेजेंटेशन को स्टॉप करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एंड आपकी प्रेजेंटेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों अगर आप स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो आपने फिर से जियोमीट में विजिट करना है। दोस्तों हमने यहाँ पे स्मॉल वीडियो थी वो क्लोज कर दी है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन मिल ली स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करने के लिए। तो आपने नोटिफिकेशन डेट ड्रैग करना है, तो आपने यहाँ जियोमीट पे क्लिक करना है, शेयर इन प्रोग्रेस यहाँ पे क्लिक करना है। आप फिर से जियोमीट में रीच कर जाओगे, आप यहाँ पे क्लिक करके शेयरिंग को स्टॉप कर सकते हो। तो मीटिंग को एंड करने के लिए आपने एंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एंड पे क्लिक करोगे तो एंड मीटिंग फॉर एवरीवन पे क्लिक करके मीटिंग एंड हो जाएगी। दोस्तों जियोमीट की सबसे पहले अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी जियोमीट या किसी अदर एजुकेशन ऐप रिलेटेड क्वेरी है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।